नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। भारतीय डाक विभाग इंदौर परिक्षेत्र गुना डाक संभाग द्वारा आज संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम उत्सव का आयोजन किया गया। स्थानीय प्रधान डाकघर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निदेशक डाक सेवा इंदौर प्रीति अग्रवाल उपस्थित रहीं। वहीं विशेष अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर राजेश जैन यहां मौजूद रहे। साथ ही गुना जिले के 9 गांवों को आज यहां संपूर्ण सुकन्या योजना समृद्धि घोषित किया गया। गौरतलब है कि इन सभी गांवों में 10 वर्ष तक की सभी कन्याओं के सुकन्या खाते खोले जा चुके हैं। इन गांवों के नाम इस प्रकार हैं: ग्राम कपासी, ग्राम विजयपुर, पगारा, धमनार, बाजगढ़, गोंदरी, हिम्मतपुरा एवं कारोठा। इस कार्यक्रम में सुकन्याओं का स्वागत भी किया गया, साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर लोगों को डाकघर की सेवा हासिल करने की ओर प्रेरित भी किया गया। देखिए आप खाली तुम जब देखो मौरी के पीछे पड़ी रहती हूँ, जैसे तैसे तो वो मौली पढ़ गई, होशियार है, इतनी अच्छी मौली निकली है, आपको स्कूल में नंबर आ रहे हैं। तो अपने वो नाती से तो बोलो दिन भर मोबाइल चला कर आते। अरे जा मौली है छोर, जा पे ध्यान दे, जे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, जे तो चली जाएगी ब्याह। जो आगे रह गया है उसको हम पूरा करें। हमने भारत में अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, डाकघर की, तो ऐसा कोई भी गांव नहीं है, बड़े गांव, जहां पर पोस्ट ऑफिस नहीं हो। आदि काल से या बहुत समय से, जब और ऑफिसेज नहीं हुआ करते थे, तब से पोस्ट ऑफिस, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, सब जगह दुख सुख का साथी रहा करता था। कौन बताएगा, हम तो नहीं जा पाएंगे, कौन बताएगा, आप लोग बताओगे। तो मातृ वंदना योजना भी ऐसी सुकन्या समृद्धि योजना बच्चियों के लिए है। मातृ वंदना योजना आपकी जो लेडीज हैं जिनकी फर्स्ट बेबी हो रहा है उनके लिए है। खाता आप खुलवाएंगे और फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो सहायता जब आएगी तो आप वाले खाते में आएगी। ये वैसे तो हम लोग का जो वार्षिक निरीक्षण होता है उसके संदर्भ में ये विजिट हमारी ड्यू थी, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे व्यवसाय के संदर्भ में था। आज हम लोग ने यहाँ पे सुकन्या समृद्धि गांव बनाए हैं गुना में। इन्होंने 9 गांव को अप्रैल से अभी तक संपूर्ण सुकन्या समृद्धि गांव में कवर किया है, तो उनको आज यहाँ पे घोषणा की जानी है। इसके अलावा सुकन्या जिले, गुना जिले को प्रयास है कि संपूर्ण सुकन्या समृद्धि जिला बनाए, तो उसके लिए विशेष प्रयास यहाँ पे हमारी टीम ने किए हैं, तो उनका प्रोत्साहन करने के लिए भी यहाँ पे हम आए हैं और लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। जैसे कि अभी हम लोग रूरल ICT यहाँ पे चालू होने वाला है बहुत जल्द, तो वो गांव-गांव में हैंडहेल्ड डिवाइस के द्वारा लोगों को डिपॉजिट विड्रॉल की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा और भी नई हमारे जो योजनाएं हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, आधार एनरोलमेंट का भी हम लोग कार्य बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं डाकघरों के माध्यम से, तो उन सभी का भी हम लोग, हमें एक रिव्यू देखना था, उनकी प्रगति देखनी थी। इन सभी उद्देश्यों से ये विजिट आज यहाँ पे की गई है। डिपार्टमेंट को क्या आपने सलाह दी इस मामले में? देखिए, एक तो अपने कार्य के साथ साथ ये लोग जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखें। डाक विभाग की बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, जैसे कि अभी मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें कि प्रथम इशू पे जो हमारी जननी है उनको केंद्रीय सहायता मिलेगी 6,000 रुपये। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें 10 वर्ष से कम की बच्चियों को एक अच्छी राशि उनके मैरिज के समय या 18 वर्ष के पश्चात आधी राशि उनको मिलने की जो प्रायोजन है, तो सुकन्या समृद्धि योजना के विकास के लिए, और साथ ही डाक जीवन बीमा, जिसका अभी क्षेत्र बहुत बढ़ाया गया है, अब उसमें डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, NSC, BSC में सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारी, सभी लोग अब डाक जीवन बीमा करा सकते हैं। तो ऐसी योजनाओं के लिए हमने अपने स्टाफ को, विशेषकर हमारे जो पोस्टमैन हैं और GDS हैं, उनको हमने आदेशित किया है कि बमोरी तहसील के ग्राम रामगढ़ से आज आदिवासी ग्रामीण पहुंचे जिला कलेक्टर के समक्ष। यहां उन्होंने फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों पर इनके साथ मारपीट के आरोप लगाते हुए उन्हें दी हुई पट्टे की जमीन उनसे हड़पने की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कि वह इससे पहले भी जिला कलेक्टर को इस संबंध में अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिस कारण आज पुनः ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपनी व्यथा मुख्यमंत्री को सुनाई है। 15 दिन हो गए,
परिवार में आए थे, भाई कोई मारे हमारे घर के परिवार में आए थे, कोई आके नहीं मारे अरे एक जना बोलो, वो तो मना कर रहे थे कल मैंने बात की थी कि हम तो गए भी नहीं है अभी उसका कारण ये था कि बच्चे ने मारे हमारे काज। अरे एक जना बताओ यार, मैं पूरे कितने दिन पुरानी उक्ति बात कर रहा हूँ, 15 दिन पुरानी तारीख भी लिख रही हुई रात को आपने दिया है। यहाँ साहब हम 3 बार लेके आ गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या है आप क्या सुनवाई? जमीन है हमारे बच्चे के साथ में मारपीट किया जा रहा है। किसने? ये रेंज वाले फॉरेस्ट वाले ने गांव वाले ने मिलके पैसे लेते हैं रेंज वाले और जो आपसी में हमको मारते हैं। तो जमीन जमीने आपकी हैं? जमीन हमारा कब्जा है साहब, उस पर 4 साल का कब्जा दिया है हमको सरकार ने। कलेक्टर साहब क्या बोले? 4 साल को तो असली कब्जा दिया है, 4-10 साल तो हमें उसमें मेहनत करते हुए। कलेक्टर साहब क्या बोले? कलेक्टर साहब कह रहे हैं वहाँ पर नहीं रहने देंगे हम। कलेक्टर साहब जी का कहना है हमको नहीं रहने दे रहे वहाँ पर, तो साहब हमारे बच्चे को क्या खिलाएं हमारे दूध। आगामी माह में गुना में होने वाली सेना की भर्ती को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज यहां संबंधित अधिकारियों ने पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही उन्होंने बताया कि यह भर्ती 8 जनवरी से 22 जनवरी तक गुना में ही होगी, जिसमें बड़ी संख्या में भर्ती देने के लिए दूर दूर से युवा पहुंचेंगे। इस संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां संबंधित अधिकारी ने डीजीआरएन न्यूज को उपलब्ध कराई। हाँ, तैयारियों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है आज कलेक्टर साहब ने सभी डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उनको बताया है, एंड मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वो हो जानी चाहिए। डेडलाइन उन्होंने रखी टाइम की, तो उस टाइम तक जो है वो हम 3 तारीख को आएंगे, तब तक जो है काफ़ी तैयारियां हो जाएंगी। ट्रेन को लेकर के यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्टर ने लिखा था, बात भी हुई आज वो बता रहे थे, भोपाल डिवीजन के अंडर में आता ये एरिया, तो DRM भोपाल के सीनियर DCM से बात किया है, उनको बताया है, वो शायद कुछ कन्फ्यूजन है, वो बोले कि पैसा जमा कराओ तो ट्रेन चलेगी, तो पैसा ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है या आर्मी की रिक्वायरमेंट है, ये तो एक इवेंट हो रहा है जिसमें हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना अपना रोल अदा करता है। कितनी तारीख तक? 5 तारीख तक हो जानी चाहिए, 5 तारीख को हम लोग आएंगे, तब तक काफ़ी तैयारियाँ हो जाएंगी। ये 8 तारीख से 22 तक है, इसमें से मेजर जो रैली का जिसमें भीड़ ज़्यादा आती है वो 19 तारीख तक, 8 से लेकर 19 तक, और वैसे 22 तक है, 22 तक कुछ बचे हुए लोगों का मेडिकल चलता रहे। गढ़कुंडार अधिपति महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती आज यहां धूमधाम से मनाई गई। इस जयंती के उपलक्ष्य में आज खंगार समाज बंधुओं द्वारा एक विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया। यह चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ गुजरा, जिसमें बड़ी संख्या में अखिल भारतीय खंगार सभा के धर्म बंधुओं ने भाग लिया, साथ ही चल समारोह का विभिन्न जगहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा PG कॉलेज प्राचार्य को एक ज्ञापन। यह ज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया, जिसमें वर्ष 2016 में PG कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाने संबंधी मांग की गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ABVP के कार्यकर्ता यहां उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को PG कॉलेज के प्राचार्य द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें 2016 में जिन छात्रों को ने प्रवेश दिया था उनको स्मार्टफोन तुरंत वितरण किया जाए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
चाचौड़ा निवासी एएसआई सतीश रघुवंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में जिला अशोकनगर कोतवाली के पीछे हुई मौत के मामले को लेकर चाचौड़ा के नागरिकों के द्वारा नगर चाचौड़ा में मौन रैली निकालकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि एएसआई सतीश रघुवंशी की मौत के मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए एवं उनके परिवार को आर्थिक मदद व सरकारी नौकरी दिलाई जाए व उनके मौत के जिम्मेदार दोषियों पर कड़ी कार्यवाही भी की जाए जिससे कर्तव्यनिष्ठ एएसआई सतीश रघुवंशी की हुई संदिग्ध मौत से पर्दा उठाया जा सके। केवल जमानी जमा खर्च चल कितने मारेंगे साथ इंसाफ होना चाहिए ना। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, पहले भी एक मारा गया था वो जागर चौकी पे, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर देखो अखबार पढ़ा होगा आपने, आज फिर एक मरने जा रहा था भाई। ऐसे पढ़ा ऐसे अगर परेशान करते रहोगे तो कितनी आत्महत्याएं होंगी भाई। इंसाफ मिलना चाहिए, बड़ा अधिकारी अगर गलती करता है तो इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? ये एक तत्काल उसे नौकरी मिल जाए और जो भी कुछ पैसा है उसका जमा वो पैसा मिल जाए और ये क्या नाम से तत्काल जो इन लोगों ने उसके साथ काम किया उनको सजा मिले। और सजा तो मिलना चाहिए, अगर सजा नहीं मिली तो ऐसे होते रहेंगे, अपन कौन सुनने वाला। तीन चार घटनाएं हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो अपन चाहते हैं सीबीआई जांच तो हो रही है पर और भी ठीक से जल्दी हो जाए तो और अच्छा है। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। जनपद पंचायत गुना विधानसभा के कार्यों की समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद पंचायत गुना के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे, साथ ही गुना विधायक पन्नालाल शाह की यहां मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं जनपद पंचायत विधानसभा गुना क्षेत्र में सरकार द्वारा दी जाने वाली समस्त योजनाओं का हितग्राहियों को पूर्ण लाभ मिले इस संबंध में भी यहाँ पर चर्चा की गई। या फिर एजेंसी या उसका कोई निगरानी वाला जैसा कुछ रखें कि जिससे वो काम करते, पर उसमें भी कहीं अगर गड़बड़ हो रही है तो ये हमारा मुखिया होने के नाते सब जो बनता है कि गड़बड़ी ना हुई तो ये बिल्कुल वही स्थिति बनती जा रही धीरे धीरे। मैं आपको वही स्पष्ट बात बता रहा हूँ जितना मैंने सुना है कि यदा यदा धर्म से और जिले से अपन वहाँ तक पहुँचा दो भले सब शामिल हो जाते हैं लेकिन अपन ना हो शामिल और अपन अपना काम प्रमाणिकता के साथ करें। प्रधानमंत्री आवास जिस स्तर पर मिले हो उन सब आरोन के पनवाड़ी हाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें सहयोगी विश्वास ब्लड हेल्थ सहित आरोन व पनवाड़ी हाट के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में लगभग 60 यूनिट रक्तदान किया गया जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे रामवीर सिंह रघुवंशी ने बताया कि किसी भी गरीब व्यक्ति को उसके परिवार के बीमार सदस्य के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है तो वह जगह जगह भटकता है, वह उसका पैसा एवं समय बर्बाद होता है। हम चाहते हैं कि किसी को भी रक्त के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए हम सभी को रक्तदान करना चाहिए। इनको चेहरा तो बस वही बात आ गया थोड़ी घर वीडियो बना रहे हो नहीं कोडिंग है आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। नवीन कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग से नीचे उतरते समय आज अपर कलेक्टर भूपेंद्र गोयल लिफ्ट में फंस गए। लिफ्ट बीच में ही अचानक बंद हो गई जिसके कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। समस्या पर है कि नवनिर्मित बिल्डिंग की नई लिफ्ट में इस तरह की क्या खराबी आई कि अचानक एक अधिकारी उसमें फंस गए। आनन फानन में लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर उन्हें उससे बाहर निकाला गया। देखना लायक हुआ कि जिला प्रशासन इस ओर अब क्या ध्यान दे पाता है, साथ ही इसमें क्या कमी रह गई थी, इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी। आ गए।
आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपने वजन से दुगना वजन उठाया, वेटलिफ्टिंग में मारी बाजी। युवा खेल उत्सव समिति धरनावदा में चल रही प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में 21 वर्षीय विनोद कुशवाहा ने 60 किलो वजन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि दूसरे स्थान पर 21 वर्षीय सूरज कुशवाहा रहे। यह बड़े हनुमान मंदिर की शाखा के स्वयंसेवक हैं। इस युवा खेल उत्सव समिति में मुख्य निर्णायक मनोज शर्मा रहे, जो भारत की ओर से 2 बार बास्केटबॉल स्कूल विश्व कप प्रतियोगिता में फ्रांस तथा क्रोएशिया में रेफरी के रूप में भारत की ओर से जा चुके हैं। वहीं धरनावदा में इनका साथ कमल सिंह रजावत, विजय बहादुर सिंह, अशफाक खां, हनीफ खां आदि ने दिया। साथ ही समरजीत सिंह, नरेंद्र जैन, नंदू भैया, कृष्ण गोपाल बैरागी, जितेंद्र सिंह, सत्यनारायण धाकड़, अरविंद त्यागी, मुरारी मीणा, कालूराम साहू आदि ने पुरस्कार राशि में सहयोग किया। प्रतियोगिता के समापन में थाना प्रभारी धरनावदा बलवीर सिंह मावई, एएसआई उत्तम सिंह कुशवाहा आदि भी मौजूद रहे। टीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।